गाइस, आज की वीडियो में बहुत ही अमेजिंग चीज की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। शायद इस तरह की चीज आप लोगों ने कहीं पर भी देखी होगी। ये दोस्तों एक आरसी क्रोकोडाइल। अभी तक तो मैंने बहुत सारी आरसी क्रोकोडाइल्स की अनबॉक्सिंग की थी, पर ये क्रोकोडाइल उन सभी में से बहुत ही ज्यादा अलग है। आज मैं इसकी फाइट कराने वाला हूँ आरसी शार्क के साथ और टेरजेटो आरसी बोट के साथ। चलो गाइस फटाफट से करते हैं, इन तीनों की अनबॉक्सिंग कराते हैं, इन तीनों के बीच में फाइट देखते हैं, तीनों में से आज कौन जीतता है। लेट्स स्टार्ट। तो ये क्रोकोडाइल दो कलर्स में मिलती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, इधर व्यू प्रोडक्ट दिखाई देगा आपको। जैसे ही क्लिक करोगे के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है अमेज़न का, वहां से जाकर आप चाहे तो ये क्रोकोडाइल को खरीद सकते हो। फटाफट से चलो मैं इसको निकाल लेता हूं। अच्छा, तो ये क्रोकोडाइल पार्ट्स में मिलती है गाइस, इसको हम लोगों को अभी जोड़ना होता है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर। यार काफी ज्यादा दमदार रिमोट लग रहा है, एक पत्थर के जैसा लग रहा है यार। मेरे को तो बहुत ही ऑसम लगी इसकी क्वालिटी। इसको रखते हैं साइड में, यहाँ से निकालते हैं हमारी क्रोकोडाइल को। यार ये तो क्रोकोडाइल का बच्चा है, मेरे को लगा था कि ये एक बड़ी क्रोकोडाइल होगी। देखो, ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा डेंजरस दिख रही है यार, एकदम रियल क्रोकोडाइल जैसी इसकी स्किन यहाँ पर लग रही है यार मेरे को। फटाफट से चलो मैं इसको यहाँ से जोड़ लेता हूँ। यहाँ से जैसे इसको क्लिक करना है और ये इस तरह से जुड़ जाएगा। अभी इसका ये जो पूंछ है, यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दिया हूँ, अभी ये जुड़ चुकी है। ओ भाई, बच्चा तो लग नहीं रहा यार, इसका साइज अच्छा खासा है। पानी में चलते वक्त आप देखना गाइस, हैरान रह जाओगे इसको देखकर। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा तगड़ी है, कलर काफी ज्यादा मस्त है इसका। और इसका मुंह जो है इस तरह से खुला हुआ है, इसके आईज के अंदर एलईडी लाइट्स दे रखे हैं। सामने के लेग्स ये रहे, लेग्स के नीचे ही यहाँ पर दो प्रोपेलर्स इन लोगों ने लगा रखे हैं, इसका नजर आ रहा होगा आपको। यहाँ पे है इसका बैटरी कंपार्टमेंट, नीचे की तरफ से इसका कलर बहुत ही ज्यादा रियल जैसा लग रहा है। ये पूंछ मेरे को इसकी बहुत ज्यादा मस्त लगी यार, देखो कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल दे रखा है। इसके साथ और क्या क्या चीजें मिली है फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर अनबॉक्स करते हैं दूसरी चीजों को। ये देखो गाइस, ओह अच्छा, एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी दे रखे हैं इन लोगों ने। ये देखो इसके छोटे छोटे से फैन, और यहाँ पर है इसके दो बैटरीज। इसके साथ हम लोगों को दो बैटरीज मिल जाती है। मेरे को लग रहा है कि ये बैटरी डालने पर अपनी जो क्रोकोडाइल है आराम से 20 मिनट्स तक चल जाएगी। चलो अभी अनबॉक्स करते हैं फटाफट से टेरजेटो जीआरसी की तरफ से आने वाला ये 3-in-1 बोट, या फिर आप इसको एक ड्रोन भी बोल सकते हो। पानी के अंदर तो भाई साहब एकदम गजब तरीके से दौड़ सकता है। इसके साथ हम लोगों को क्या क्या चीजें मिलती है देखो यार, इसके अंदर भी सेम चीज मिलती है, सेम चार्जर दे रखा है जिस तरह का चार्जर हम लोगों को आरसी क्रोकोडाइल के अंदर मिला था। सेम बैटरी भी मिल जाती है, ये एक ड्रोन भी है तो इस वजह से यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। ये यूजर मैनुअल के अंदर सारी चीजें अपने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर है हमारा ड्रोन, इसका रिमोट कंट्रोलर। रिमोट कंट्रोलर सच में गाइस बहुत अच्छी क्वालिटी का है, पर इसका साइज देखो यार बहुत ज्यादा छोटा दे रखा है। ढेर सारे बटन्स मिल जाते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये 3-in-1 है तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेटिंग्स करके इसको फ्लाई कराना पड़ता है या फिर इसको पानी के अंदर चलाना पड़ता है। अगर मैं इसको निकाल कर इस तरह से कर दूंगा तो ये एक ड्रोन भी बन जाएगा। नीचे की तरफ ये खोखली प्लास्टिक है गाइस, अगर आप इसको पानी में इस तरह से भी फेंक दोगे ना, ये बिल्कुल भी डूबेगी नहीं। ये रही गाइस हमारी आरसी शार्क, ये बहुत मस्त तरीके से पानी के अंदर तैर सकती है। इसको मैंने सिर्फ 3000 रुपीज में खरीदा था। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करो, आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने इसका बाय लिंक दे रखा है। इस तरह का रिमोट कंट्रोलर मिल जाता है, ऊपर की तरफ दो ट्रिगर्स मिल जाते हैं शार्क को कंट्रोल करने के लिए। फटाफट से शार्क भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं। ये रही गाइस अपनी ब्लू फिन वाली आरसी शार्क। इसके अंदर भी देखो, और इसके फिन के नीचे यहां पर दो प्रोपेलर्स लगे हैं, जिस तरह के प्रोपेलर इसके अंदर भी लगे हुए हैं। ये भी जो आरसी शार्क है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है पीछे की तरफ से। पहले तो आप देख लो गाइस, मेरे पास इस तरह की एक और क्रोकोडाइल भी है, सिर्फ उसके अंदर हेड मिल जाता था, पीछे की तरफ दो प्रोपेलर्स मिल जाते थे, पर इसका सीन कुछ अलग है। देखो यार दोनों के अंदर काफी ज्यादा फर्क है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाली बोट है, पर ये एक पानी में चलने वाली रियल क्रोकोडाइल जैसी दिखाई देती है। फटाफट से इन दोनों के बीच में मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। दोनों का साइज बिल्कुल सेम टू सेम दे रखा है और दोनों का वेट भी उतना ही मेरे को लग रहा है। चलो दोस्तों अभी चलते हैं बाहर, फटाफट से कराते हैं इन तीनों के बीच में फाइट, देखते हैं गाइस तीनों में से आज कौन जीतता है। लेट्स गो एंड फाइट। पहले आरसी क्रोकोडाइल को टेस्ट करते हैं गाइस। यहाँ पे एक कमाल की चीज मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं जैसे ही पानी के अंदर रख रहा हूँ, इसकी आईज एकदम से रेड कलर की हुई जा रही है। इसका मतलब ये कि अपनी क्रोकोडाइल ऑन हो चुकी है। चलो यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस और इसकी कंट्रोलिंग किस तरह की है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। देखने में तो काफी ज्यादा डेंजरस दिख रही है, इसको यूज करके एकदम तगड़े वाले प्रैंक कर सकते हैं हम किसी के भी साथ। इसकी पूंछ देखो यार, इस तरह से लहराने लगती है जैसे ये पानी के अंदर चलने लगती है। और इसका माउथ तो देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है, इस वजह से और भी ज्यादा डेंजरस दिखा
दिखाई देती है और ऊपर से इसकी रेड कलर की आईज तो भाई एकदम किलर है। इस क्रोकोडाइल को कंट्रोल करना भी बहुत ज्यादा इजी है। जैसे ही जॉयस्टिक को हम लोग पीछे की तरफ करते हैं रिवर्स जाने लगती है, राइट जॉयस्टिक प्रेस करेंगे तो राइट को घूमने लगेगी, लेफ्ट जॉयस्टिक प्रेस करेंगे तो लेफ्ट को इस तरह से घूमने लगती है। कंट्रोलिंग कितनी ज्यादा इजी दे रखी है, इसको चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है, इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा दी है। अभी टेस्ट करते हैं आरसी शार्क को। ये शार्क भी बहुत ऑसम तरीके से पानी के अंदर चल सकती है, जैसे कि आप खुद यहाँ पे देख सकते हो एकदम रियल शार्क जिस तरह से तैरती है, ये भी उसी तरह से तैरने लग रही है यार। इसकी भी जो पूंछ है लेफ्ट राइट जाने लगती है जैसे ये पानी के अंदर इस तरह से स्विम करने लगती है। अभी टेस्ट करते हैं 3-in-1 आरसी होवरबोर्ड को। ये एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने इसको खरीदा था। और इसको कंट्रोल करना भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि इसके रिमोट के अंदर लेफ्ट वाली जो जॉयस्टिक है इसके अंदर सारे कंट्रोल दे रखे हैं। और यहाँ पर ये चलता भी बहुत ही यूनिक तरीके से गाइस। इसके दो प्रोपेलर जो है इसको आगे की तरफ मूव कराते हैं, दो प्रोपेलर जो है इसको पानी से थोड़ा ऊपर की तरफ रखते हैं ताकि ये इजी से फ्लोट कर सके। अभी कराते हैं पानी के अंदर इन दोनों की रेस, देखते हैं दोनों में से कौन सबसे फास्ट तरीके से स्विम कर सकता है। अमेजिंग तरीके से क्रोकोडाइल आगे की तरफ निकल चुकी है, यहाँ पे तो मैं सरप्राइज हूँ गाइस। क्रोकोडाइल इतनी तेज तरीके से तैर रही है, देखो यार शार्क बहुत ज्यादा पीछे हो चुकी है और यहाँ पर लहरें भी कुछ ज्यादा ही आ रही है यार। दोनों लेफ्ट की तरफ जा रही है, फिर भी देखो गाइस पूरा दम लगाकर दोनों तैर रहे हैं। एक काम करते हैं दोनों को यहाँ से टर्न करा लेते हैं। पहले देखो यार शार्क ने टर्न ले लिया है, अभी थोड़ी सी क्रोकोडाइल पीछे की तरफ हो चुकी है। ओ माय गॉड, क्रोकोडाइल ने अचानक से शार्क को यहाँ पे काट दिया यार, इसका मुंह पकड़ रखा है भाई इसने, मेरे को लग रहा है कि ये इसको डुबा के ही मारेगी। अभी देखो गाइस इसने छोड़ दिया इसको और एकदम फास्ट तरीके से आगे की तरफ मूव कर रही है। क्रोकोडाइल थोड़ी सी चीटिंग कर रही है भाई साहब यहाँ पर, और क्रोकोडाइल आगे आ चुकी है तैरकर। क्लियरली यहाँ पर क्रोकोडाइल ने चीटिंग करके इस रेस को जीत ली है। अभी रेस कराएंगे इन दोनों के बीच में, देखते हैं इन दोनों में से इस रेस को कौन जीतता है। रेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, दोनों बहुत मस्त तरीके से यहाँ पे स्विम कर रहे हैं। सरप्राइजिंगली अपनी जो होवरबोर्ड है बहुत ज्यादा आगे की तरफ निकल चुकी है और यहाँ पे होवरबोर्ड ने टर्न ले लिया, क्रोकोडाइल ने भी टर्न ले लिया, दोनों के बीच में टक्कर भी हुई है। होवरबोर्ड को कंट्रोल करना थोड़ा सा हार्ड है यार, फिर भी देखो यार होवरबोर्ड क्रोकोडाइल से बहुत स्पीड से तैर रही है और क्लियरली यहाँ पर होवरबोर्ड जीत चुकी है इस रेस को। अभी कराएंगे इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं इस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल, और ये भी देखेंगे अपनी हार का बदला क्रोकोडाइल ले पाती है यानी होवरबोर्ड से। दोनों के बीच में एकदम तगड़ी वाली फाइट चल रही है, होवरबोर्ड का ऊपर का हिस्सा यहाँ पर तोड़ के रख दिया है अपनी क्रोकोडाइल ने, इतनी जोर से इसको खींचा कि क्रोकोडाइल बहुत इजी तरीके से टग ऑफ वॉर में हरा चुकी है होवरबोर्ड को। अभी कराते हैं क्रोकोडाइल वर्सेस शार्क के बीच में टग ऑफ वॉर, देखते हैं इन दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। जैसे ही मैंने दोनों को पानी के अंदर फेंका है, दोनों की पूंछ जो है यहाँ पर टूट चुकी है, कोई दिक्कत है नहीं गाइस, वापस से दोनों को मैं जोड़ लूंगा, बस एक क्लिप लगानी होती है। चलो गाइस अभी प्रॉपर तरीके से दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर कराते हैं। 1, 2, 3 दोनों के बीच में यहाँ पे लड़ाई चालू हो चुकी है, दोनों एक दूसरे को खींचने में लगे हुए। शार्क पूरी कोशिश कर रही है इस तरह से अपनी पूंछ को हिलाकर क्रोकोडाइल को अपनी तरफ खींचने के लिए, और क्रोकोडाइल भी कुछ कम है नहीं गाइस। अचानक से देखो क्रोकोडाइल ने अपनी पावर बढ़ाकर शार्क को खींचना चालू कर दिया और शार्क यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही है। यहाँ पर शार्क हार चुकी है टग ऑफ वॉर में क्रोकोडाइल से। 3-in-1 होवरबोर्ड को आप कुछ कम मत समझना गाइस, ये जो चीजें कर सकता है अपनी शार्क और क्रोकोडाइल बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। ये देखो यार इस तरह से जमीन पे भी चल सकता है, बहुत कमाल तरीके से दौड़ सकता है। अगर स्मूथ सरफेस पे मैं आपको चला के बताऊंगा ये बहुत मस्त तरीके से ड्रिफ्ट वगैरह भी मार सकता है। अभी एक और चीज देखो, इसके नीचे का जो बोट वाला पार्ट है मैंने अलग कर दिया है, अभी मैं इसको ड्रोन की तरह भी फ्लाई करा सकता हूँ। 3-in-1 चीज है यार, आप इसको जमीन पे भी चला सकते हो, हवा में भी उड़ा सकते हो, पानी पे भी चला सकते हो। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ इन दोनों में से सबसे ज्यादा रियलिस्टिक कौन दिख रहा है, आरसी क्रोकोडाइल या फिर आरसी शार्क, नीचे कमेंट करो गाइस। चलो भी मैं दे देता हूँ शॉर्ट आउट। पहला नाम आ जाता है अब्दुल, साईराम, अंश कुमार, अपूर्व, जनक, अमितवा, राजेंद्र, जीशान, नील, अभिषेक। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों, ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।